नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। ठंड अभी सभी जगह पड़ने लगी है और इस कड़कड़ाती ठंड में अगर मेरे मारवाड़ का देशी मक्की का ढोकला और गरम गरम कड़ी खाने को मिल जाए तो फिर क्या चाहिए, एकदम सोने पे सुहागा। तो चलिए फिर, आज आपके लिए लेके आई हूँ मक्की का ढोकला और कड़ी। ये मेरी माँ की रेसिपी है और पूरे वीडियो में मैंने मेरी माँ और दादी के स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं कि कड़ी किस तरह से बनानी चाहिए, कड़ी में क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और ढोकला किस तरह से बनाना चाहिए, मक्की का ढोकला। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मक्की का ढोकला बनाने के लिए सबसे पहली चीज लगेगी मक्की का आटा। तो आज मैं मक्की का आटा काम में ले रही हूँ, फ्लोर पिकर का। देखिए किस तरह से, कितनी अच्छी तरह से पैकिंग में आता है। मैंने पहले भी दो वीडियो फ्लोर पिकर के आटे के बनाए हुए हैं, तो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के लोगों के लिए वरदान है ये फ्लोर पिकर। और आज मैं इसमें मसाले भी फ्लोर पिकर के ही यूज करने वाली हूँ, जो इन्होंने अभी नए ही लॉन्च किए हैं। तो चलिए पहले आटे को छान लेते हैं। देखिए एकदम बढ़िया शानदार फ्रेश ताजा पिसा हुआ आटा है मक्की का। तो ये फ्लोर पिकर का जो ऐप है, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में जो लोग रहते हैं, जो व्यूअर हैं हमारे, और उनके लिए तो ये वरदान है ऐप, पुणे पिंपरी चिंचवड़ के लोगों के लिए। तो आपको घर बैठे सब तरह के आटे मिल रहे हैं और फ्रेश मिलता है। ऐसा नहीं है कि पहले से कोई उन्होंने पीस के रखा हुआ है पैकिंग, जैसे बाजार के आते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, एकदम फ्रेश मिलता है। आप जब ऑर्डर करेंगे तभी आपको वो डिलीवर होगा। और उसमें सारी सुविधाएं दी है, टाइम की सुविधा दी है, किस टाइम चाहिए आपको और कैसा चाहिए आपको, बारीक मोटा सारी सुविधाएं उसमें दी है। अब उन्होंने मसाले भी शुरू कर दिए हैं। तो पुणे महाराष्ट्र के जो व्यूअर हैं, वो उन्होंने सुना होगा कि कृष्णा काटची हलद, मतलब वाई की जो हल्दी होती है वो सबसे बढ़िया होती है। तो उन्होंने वही हल्दी पाउडर शुरू किया है, मिर्च, लाल मिर्च शुरू की है। तो आप लोग जरूर एक बार ट्राई करें, इस ऐप को आप डाउनलोड करें। और फिर से विनती करूंगी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के व्यूअर से, आप जरूर इस ऐप को डाउनलोड करें, आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिलेगी, तो ये जरूरी करें। इसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगी आपको, ऐप की लिंक, तो वहां से डायरेक्ट आप उस पर जा सकते हैं। चलिए आटा छान लिया है मैंने, अब इसमें डाल लेते हैं नमक, अजवाइन थोड़ा सा हाथ से मसल के डालना है, इससे स्वाद अच्छा आता है एकदम बढ़िया। थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये भी थोड़ा सा मैं हाथ से मसल के डाल रही हूं। एक चम्मच जितना धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आहा कितना प्यारा कलर है इसका, फ्लोर पिकर की लाल मिर्च पाउडर। अब हम थोड़ा सा तीखा पसंद ज्यादा करते हैं, इसलिए मैं दो चम्मच ले रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार लें। हल्दी पाउडर, ये है कृष्णा काटची हलद, देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया हुआ है, बहुत ही सुंदर, ये डाल रही हूं मैं। ये भी आप अपने हिसाब से डालें जितना पसंद करते हैं। सिर्फ एक चौथाई चम्मच जितना पापड़ खार डाल रही हूं मैं। आप अगर पापड़ खार आपके पास नहीं है, नहीं डाल रहे, तो आप इसमें मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है, वो भी डाल सकते हैं। अब ये सारी सूखी सामग्री एक बार मिला लेंगे और फिर इसको ऐसे कच्चा ही थोड़ा सा इसका नमक टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि पापड़ खार और नमक दोनों है, तो नमक आपको टेस्ट करके फिर आगे का प्रोसेस करना है। कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, तो आप वो टेस्ट करके फिर एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च बारीक कटी और अदरक कुटी हुई, ये ऑप्शनल है, अगर आप एक्स्ट्रा तीखा पसंद करते हैं तो लें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मटर के दाने हैं, मैंने अच्छी तरह से धो लिए, कच्चा फ्रेश मटर है, उबाला हुआ नहीं है। और पत्ता गोभी काट दी, ये भी फ्रेश है, इसको भी कोई पकाया नहीं है, उबाला नहीं, क्योंकि ढोकले के साथ ही पकाना है हमें इन सब्जियों को। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे मोयन के लिए, करीब दो टेबलस्पून जितना, और ये सारा एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। अब सब्जियों में इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, अभी जो भी फ्रेश सब्जियां, अभी पत्तेदार सब्जियां भी आ रही है, हरी पत्तेदार, पालक है, मेथी है, बथुआ है, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो उसमें कोई ऐसा ये नहीं है इसमें कि यही चीज सब्जियां यही डालनी है, गाजर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, जैसा भी चाहे कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूंगी मैं।
अब इसमें लेंगे पानी, पानी गरम लेना है। मक्की के ढोकले कहें चाहे बाजरे के ढोकले कहें, उसको हमेशा गरम पानी में ही आटा लगाना है, कच्चा पानी नहीं लेना है हमें। अभी पानी गरम है तो थोड़ा ध्यान रखते हुए, हाथ संभालते हुए आटा लगाना है इसका। थोड़ा और इसमें पानी डालूंगी, गरम है पानी पर फिर भी क्या है, अभी सर्दी के दिनों में इतना कुछ हमें हमारे हाथ को पता नहीं चलता है, अंदाज गरम ज्यादा ठंडा, गरम ज्यादा नहीं लगेगा, अभी ठंड है इसलिए। और दूसरा ये कि मेरे को तो ऐसे हाथ से ही मिला के आटा लगाना अच्छा लगता है, चम्मच वगैरह से मुझे पसंद नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरह का आटा होना चाहिए हमारा, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तो पानी यहाँ पे जो लेना है वो गरम, मतलब उबला हुआ गरम पानी लेना है, ऐसा नहीं कि गुनगुना वगैरह, नहीं, उबला हुआ गरम पानी लेना है आपको। जैसे खींचे वगैरह बनाने में काम में लेते हैं कुछ इस तरह का। अब इसके ऐसे लोई लेके ढोकले बना लेंगे। अब इसकी साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, साइज में ऐसा छोटे बड़े का कुछ नहीं है। बस ये करते टाइम आपको फ्लैट जब करेंगे तो थोड़ा सा पतला रखें, जिससे कि ये पकने में आसानी हो इसको। और इसको थोड़ा सा पानी में हाथ उंगली डाल के बीच में छेद कर देंगे ऐसे। ये हो गया ढोकला तैयार। और ये यहाँ पे मैंने तेल लगा दिया एक छलनी पे, और उस पर मैं ये ढोकले मेरे तैयार रखते जाऊंगी। ये ढोकले बना रहे तब तक मैंने एक कढ़ाई में गर्म पानी रख दिया है। आप चाहे तो इडली का जो स्टीमर होता है या ढोकले खमन ढोकला का होता है स्टीमर, उसमें भी बना सकते हैं। मेरे सारे ढोकले बन के तैयार हो गए, मैंने अरेंज कर दिए छलनी में। छलनी में रखते वक्त आपको एक के ऊपर एक नहीं रखना है, अल्टरनेट लेयर बनानी है। दो रखे उसके बीच में एक, दो रखे उसके बीच में एक, इस तरह से करना है। एक के ऊपर एक रखे तो वो चिपक जाएंगे आपस में। अब ये हमारी कढ़ाई में रख देते हैं। देखिए पानी उबल गया है, इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला है। और अब ये छलनी इस पर रख दूंगी मैं, और इस पर ढक्कन लगा के इसको 35 से 40 मिनट तो आराम से लगेंगे। और 40 मिनट बाद चेक करेंगे, नहीं हुए हैं और अगर पानी कम हो गया है तो थोड़ा पानी और डाल देंगे। इसमें आंच हमें मध्यम रखनी है, ज़्यादा तेज भी नहीं और एकदम कम भी नहीं, मध्यम आँच पर 35 से 40 मिनट आराम से लगेंगे। चलिए ढोकला हमारा उबल रहा है, पक रहा है, तब तक कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम जितना ताज़ा दही लिया है, घर का फ्रेश ताज़ा दही है। और इसमें हमें पानी डालना है, दही टेस्ट कर लें खट्टा कैसा है उस हिसाब से पानी डालें। तो ये करीब 1 लीटर जितना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इसको एक बार मथनी से मथ लेंगे। आपके पास अगर छाछ मिल जाती है तो छाछ से भी कढ़ी बना सकते हैं। छाछ और दही की कढ़ी का अलग अलग स्वाद आता है थोड़ा। मेरे पास अभी छाछ नहीं थी इसलिए मैं दही से बना रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से मथ लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। ये बेसन फ्लोर पीकर का बेसन है, मैंने इसके पहले भी इसका बेसन का खोखा भुजिया का वीडियो बनाया हुआ है, तो ये मैं ले रही हूँ इसमें। अब ये कढ़ी आप कैसी पसंद करते हैं उस पर है बेसन लेना, गाढ़ी पतली कैसी। मैं मध्यम इसकी कंसिस्टेंसी की कढ़ी बनाऊंगी, उस हिसाब से ले रही हूँ मैं ये। मेरी माँ जिस तरह से बनाती है और मेरी दादी जैसे बनाती थी उस तरह से बना रही हूँ मैं इसको। अच्छी तरह से पहले बेसन डालने के बाद एक बार अच्छी तरह मथ लेंगे, गांठे नहीं रहनी चाहिए, बेसन की सारी गांठे निकल जाए। अब इसमें डालेंगे मसाले, तो एकदम 1/4 चम्मच जितनी हल्दी। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, कुछ लोग हल्दी ज़्यादा पसंद करते हैं तो ले सकते हैं, पर मैं कम ही पसंद करती हूँ। सिर्फ 1/2 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हरा धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार। ये छाछ तैयार होने के बाद एक बार टेस्ट कर ले कढ़ी, ये छाछ कैसी खट्टी है या थोड़ी सी फीकी है, उस हिसाब से नमक डालें। और अगर छाछ आपकी खट्टी नहीं है तो थोड़ी देर आप नमक डाल के रख दें और उसके बाद बेसन मिलाएं तो छाछ खट्टी पड़ जाती है अपने आप। ये सारे मसाले फिर से एक बार घोट लूंगी इसको मैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी गैस पे, अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। मेरी माँ हमेशा कहती है कि कढ़ी या दही की वैसे कोई भी चीज आप बनाते हो तो घी में ही बनानी चाहिए, और कढ़ी तो घी में ही अच्छी लगती है, दही की कढ़ी आप बना रहे हैं तो। घी गरम होते ही थोड़ा इसमें डाल रही हूँ मेथी दाना 1 चम्मच जितना, और जीरा,
राई, राई मुझे थोड़ी सी पर्सनली राई ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। आपको जैसी पसंद है डाल सकते हैं। राई जीरा तटराते डाल रही हूँ, हरी मिर्च और अदरक कुटी हुई। कड़ी में अदरक का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, कड़ी पत्ते के सिवाय तो कड़ी हो ही नहीं सकती। हींग के बिना कड़ी का स्वाद अधूरा है। छौंक हो गया है, अब इसमें डाल रही हूँ मैं जो हमने बेसन का घोल बनाया है वो डाल के ढक्कन लगा दूंगी। मेरी दादी हमेशा बोलते थे कि कड़ी जब छौंक रहे हो तो ऊपर ढक्कन लगा दो ताकि छौंक उड़े नहीं और सारी खुशबू उसमें रह जाए। अब इसमें मैंने सारा घोल डाल दिया है बेसन का। और अब एक अगली टिप मेरी दादी की और मेरी माँ की कि कड़ी को उबाल आने तक तो हमें लगातार चलाना है। अगर आपने उसको छोड़ दिया चलाना उबाल आने से पहले तो आपकी कड़ी पानी छोड़ देगी, कड़ी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। कंटिन्यूस इसको चलाते जाना है। और हमारे मारवाड़ में बोलते हैं कि कड़ी में 108 उबाल आने चाहिए तब माना जाता है कि ये कड़ी तैयार हुई है। तो आजकल तो नहीं इतना पेशेंस होता किसी के पास, पर आप कभी ट्राई करके जरूर देखिएगा, उसका स्वाद ही एक अलग आता है। 108 उबाल आई हुई कड़ी, तो ये लगातार हिलाना है हमें। देखिए कड़ी में उबाल आ गया है। इस तरह से हमें 108 उबाल लेने, जैसे ये उबाल आया है, उबाल आया गैस कम कर दीजिए, फिर एक थोड़ी सी देर के बाद फिर से गैस बढ़ा दीजिए, फिर से उबाल आने दीजिए और लगातार हिलाते जाइए। उस कड़ी का स्वाद ही इतना बढ़िया होता है, बहुत ही शानदार लगता है। आज तो मुझे बचपन की याद आ गई, मम्मी बनाते हैं कड़ी सर्दियों में, गर्मियों में हमारे यहाँ तो बनती है, मारवाड़ में तो कड़ी बनती है। और मम्मी बनाते थे और टेस्ट करने के लिए हमेशा मुझे बोलते थे कि टेस्ट करके बताए इसमें क्या कम ज्यादा है। तो बचपन में तो बहुत किया है, अब तो क्या आप खुद बना रहे हैं तो लग रहा है कि खुद कभी खुद बनाई हुई चीज टेस्ट नहीं कर सकते। तो अभी याद आ रही है आज माँ की बहुत कड़ी देख के। ये कड़ी हमारी अच्छी तरह से तैयार है पूरी, इसको मुझे बराबर 25 मिनट लग गए करने में तैयार। अब इसमें डाल रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो कड़ी में यही है कि आपको चलाते हुए कड़ी को पकाना है, वरना हमारे मारवाड़ में बोलते हैं, मेरी दादी बोलती थी कि कड़ी उकाड़े उतर जाए, मतलब पानी अलग हो जाएगा कड़ी अलग हो जाएगी। तो यही आपको ध्यान रखना है इसमें। ये बस कड़ी तैयार है हमारी। अब फिर से ढोकले की तरफ बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं ढोकले हमारे हुए कि नहीं, दिख तो अच्छे रहे। विक चाकू, साफ चाकू डाल के चेक करेंगे, क्लीन निकला है, मतलब ढोकले हमारे तैयार है। अब चाहे तो इनको ऐसे ही खाएं कड़ी के साथ या फिर छौंक लगाएं। मैं आपको छौंक लगा के भी दिखा देती हूँ। ये छौंक लगाने के लिए मैंने पैन रख दिया है, अब इसमें डालेंगे तेल थोड़ा। छौंक अगर आपको ढोकले लगाना है तो आपको ढोकले थोड़े से ठंडे करने पड़ेंगे, ठंडे मतलब एकदम वाफ से निकाल के सीधा छौंक नहीं लगाना है, थोड़ा उसको अलग जाली पे रख लें फिर छौंक लगाएं। तेल गरम होते ही डाल देंगे जीरा राई, जीरा राई तड़तड़ाते ही यहाँ मैंने अदरक और कड़ी पत्ता, सॉरी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। अब इसमें डाल रही हूँ हींग। अब यहाँ पे आप अगर लहसुन चाहते हैं तो गीला लहसुन या सूखा लहसुन डाल सकते हैं, ये हो गया। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च छौंक में डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप पसंद करें तो डालें। और ये हमारे जो ढोकले वो इस तरह से रख देंगे, कुछ इस तरह से हिला हिला के करें। एक तरफ से पक गए तब इनको पलट लेंगे, ऐसी जरूरत नहीं होती इसके छौंक की, बिना छौंक के भी बहुत टेस्टी लगते हैं। पर किसी किसी को अगर लगता है कि थोड़ा और स्वाद चाहिए तो कर सकते हैं। तो बस तैयार है परोसने के लिए गरम गरम मक्की के ढोकले। तो चलिए मक्की के ढोकले परोस लेते हैं। ये मैंने गर्मा गर्म कड़ी ले ली है यहाँ पे, और ये जो हमने छौंक लगाया था वो ढोकला ले लिया है। और इसके साथ ही ले रही हूँ मैं जो बिना छौंक लगाए भी ढोकला है वो ले रही हूँ। और इसके साथ मैं परोस रही हूँ मलाई वाली मिर्ची, ये भी रेसिपी मेरी माँ की है। अगर आप चाहते हैं ये रेसिपी देखना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाई जाती है। ये हो गया, ये एक ढोकला मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा अंदर से एकदम तैयार हुआ है। तो ये तैयार है हमारा
मक्की का ढोकला कढ़ी के साथ खाने के लिए। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी आपको? एकदम देशी मारवाड़ी स्टाइल मक्की का ढोकला और कढ़ी रेसिपी आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और मेरा चैनल सो स्वीट किचन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।